Okay, so the next topic in decision theory is decision tree. Remember, decision tree is a diagrammatic representation of states of nature and courses of action. Decision tree, it's a kind of a pictorial representation of states of nature, those factors which are outside the control of a decision maker. Those are states of nature. And courses of action are those factors which are directly under the control of a decision maker. जब भी आप इन दोनों factors को, किनको, states of nature को और courses of action को एक diagram की form में represent करते हैं, तो उस diagrammatic representation को बोला जाता है decision tree. I repeat, decision tree is a diagrammatic representation of states of nature and courses of action. Today we are taking up a problem. That's problem number 21 on decision tree. So please open up your problem number 21 aur suniyega dhyan se. In this question, the organization says that, the question says that an organization has two options, machine A and machine B. To aapke paas do machine hai, ya to machine A select karenge aap ya machine B select karenge. Hamesha dhyan rakhiyega, decision tree basically, it always starts from a square node. This square node is called as a decision node. Yeh decision node hai, aur yahan se nikalte hain hamesha courses of action. Courses of action kya hai yahan par? Ya to decision maker machine A ko select karega, ya decision maker machine B ko select karega. Do alternatives hai uske paas. या तो मशीन ए और या फिर वो मशीन बी को सेलेक्ट करेगा. अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो स्क्वायर नोड से स्टार्ट होगा डिसीजन ट्री और वहां से निकलते हैं हमेशा डिसीजंस, अल्टरनेटिव्स निकलते हैं डिसीजन नोड से. ये स्क्वायर शेप होती है. इसमें लिखा है क्वेश्चन में, इफ मशीन ए इज यूज्ड एंड इफ द रॉ मटेरियल इज ऑफ गुड क्वालिटी देन द प्रॉफिट विल बी ₹2000 बट इफ द मटेरियल्स आर पुअर then the profit will be ₹1600. तो अब यहाँ पर decision maker को दो options, दो chance हैं कि वो जो raw material है वो या तो good quality का हो सकता है या फिर poor quality का. तो ये दोनों factors कहे जाएंगे state of nature, क्योंकि ये उसके control में नहीं है. machine खरीदना नहीं खरीदना या कौन सी machine select करना, ये तो उसके control में है. लेकिन आगे से उसको माल कैसा मिलेगा, गुड क्वालिटी का मिलेगा या पुअर क्वालिटी का, ये उसके कंट्रोल में नहीं है. वो तो सप्लायर जो भी माल उसको सप्लाई कर देगा, गुड क्वालिटी का भी हो सकता है और पुअर क्वालिटी का भी. तो वो फैक्टर्स जो उसके कंट्रोल में नहीं है वो कहे जाएंगे स्टेट्स ऑफ नेचर और वो निकालेंगे आप सर्कल नोड से, राइट. तो आपको ये याद रखना है कि जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में है कोर्स ऑफ एक्शन वो तो निकलते हैं स्क्वायर नोड से, सॉरी, और जो फैक्टर्स उसके कंट्रोल में नहीं है वो निकलेंगे सर्कल नोड से. कोर्स ऑफ एक्शन, स्क्वायर नोड, स्टेट ऑफ नेचर फ्रॉम सर्कल नोड. इस सर्कल नोड को बोला जाता है चांस नोड, राइट. और आगे चलते हैं, गुड क्वालिटी पर उसको प्रॉफिट हो रहा था करीब 2000 का, राइट, 2000 रुपीस, और पुअर क्वालिटी के मटेरियल पर उसको प्रॉफिट हो रहा था 1600 रुपीस का, राइट. आगे ध्यान दीजिएगा, इफ मशीन बी इज यूज्ड एंड इफ द रॉ मटेरियल इज ऑफ गुड क्वालिटी देन द प्रॉफिट विल बी ₹2400 बट इफ द मटेरियल्स आर पुअर देन द प्रॉफिट विल बी ₹800 ओनली. अब अगर इसके अंदर गुड क्वालिटी का मटेरियल मिला उसको तो प्रॉफिट हो जाएगा 2400 का, दिस इज व्हाट यू नो स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. और अगर पुअर क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल गया उसको तो प्रॉफिट रहेगा केवल 800 रुपीज का. ये सारी चीजें आपको डायग्रामेटिकली शो करनी है. आगे ध्यान दीजिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल इज 0.80 and the probability of poor quality raw material is 0.20. So good quality ki probability hai 0.80, poor ka hai 0.20.
ऐसे 0.80 और 0.20 अरेंज कर दिया हमने. नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. तो 2000 को मल्टीप्लाई किया 0.80 से, ये आ जाएगी वैल्यू 1600. 1600 को 0.20 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई 320. दोनों वैल्यूज का टोटल कर लिया तो 1600 प्लस 320 ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1920. राइट. नेक्स्ट 2400 को 0.80 से मल्टीप्लाई किया और 800 को 0.20 से कर दिया. 2400 इंटू 0.80 विल बी 1920, 800 इंटू 0.2 विल बी 160. इन दोनों वैल्यूज का भी टोटल कर दिया तो 1920 प्लस 160 विल गिव यू 2080. नाउ इन बोथ दिस ऑल्टरनेटिव्स वो वाली वैल्यू सेलेक्ट होगी जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, विच इज द हाईएस्ट वैल्यू 2080. तो आपका कंक्लूजन हो जाएगा मशीन बी विल बी सेलेक्टेड, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. नोट कर लीजिएगा इस डिसीजन ट्री को, फिर एक और प्रॉब्लम करवाते हैं. काइंडली टेक इट डाउन. ओके डन. Now take down one more problem. In fact, just look into your handouts. It is problem number 23. Now in this question, again there are two alternatives. Mr. X is on a point to decide whether to stock paddy or rice crop. Decision maker के पास दो options हैं. या तो वो paddy की crop stock करेगा या फिर rice. Either he can stock paddy or he can stock rice. Right? So he has two alternatives. आगे ध्यान दीजिएगा. If he stocks paddy and if it is a success, paddy अगर success हो गई, he hopes to earn a profit of rupees 10,000. तो उसको वहां पर 10,000 का profit होगा. क्या स्टॉक करने पर, पैडी स्टॉक करने पर अगर वो क्रॉप मार्केट में सक्सेस हो जाती है तो डिसीजन मेकर को मिस्टर एक्स को प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का. लेकिन अगर वो क्रॉप फेल हो जाती है, इफ इट इज अ फेलियर ही विल लूज रुपीज 2,000. नाउ रिमेंबर पिछले केस में आप प्रॉफिट था तो पॉजिटिव शो किया गया. अब ये वाली वैल्यूज लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है और लॉस को हमेशा माइनस साइन से शो करेंगे. तो इट विल बी माइनस 2000. पैडी सक्सेस हो गई तो 10,000 रुपए का फायदा है, लॉस हो गई तो 2000 का. अगर फेल हो गई तो 2000 का लॉस है. इसी तरह से आगे ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है इफ ही स्टॉक्स राइस एंड इफ इट इज अ सक्सेस He hopes to earn a profit of rupees 20,000. अब अगर ये सक्सेस हो गई राइस क्रॉप तो डिसीजन मेकर को फायदा होगा 20,000 रुपए का. दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इफ इट इज अ सक्सेस ही विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000. बट इफ इट इज अ फेलियर ही विल लूज रुपीज 5,000. अगर वो क्रॉप फेलियर हो गई तो डिसीजन मेकर को लॉस होगा 5,000 का. राइट. अब सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है पैडी में 0.6 और 0.6 अगर सक्सेस का है तो फेलियर का क्या हो जाएगा 0.4. 1 माइनस 0.6 कर दीजिएगा. सिमिलरली अगर यहां पर राइस का फेलियर, राइस का सक्सेस दिया हुआ है 0.3 तो राइस का फेलियर क्या हो जाएगा 0.7. तो दिस इज यू नो वेरी मच सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन. डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में दोनों प्रॉफिट जीरो थे, यहां पर एक प्रॉफिट और एक लॉस है और प्रोबेबिलिटीज थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.3
तो फेलियर की क्या हो जाएगी, 1 में से 0.3 को माइनस कर दीजिएगा, 0.7 आ जाएगी। और यहां पर भी जो राइस का फेलियर का, फेलियर के अंदर लॉस हो रहा था 5000 का, तो लॉस को हमेशा माइनस से शो करेंगे, राइट। आई रिपीट दैट स्टेटमेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर इफ ही स्टॉक्स राइस एंड इफ इट इज अ फेलियर ही विल लूज रुपीज 5000, 5000 रुपए का नुकसान होगा, और लॉस को आप हमेशा माइनस से शो करेंगे। तो यहाँ एक वैल्यू प्रॉफिट की है, एक लॉस की है, एक प्रॉफिट की है और एक लॉस की है। अब सॉल्व करते हैं, 10,000 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगी वैल्यू 6,000, माइनस 2,000 को उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.4 से कर दिया, माइनस 800, 20,000 को 0.3 से किया 6,000, और माइनस 5,000 को 0.7 मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा माइनस 3,500। अब इन वैल्यूज को एड ऑन करते हैं तो 6,000 प्लस माइनस 800 ये हो जाएगा 5,200। और अगर आप 6,000 प्लस माइनस 3,500 इन दोनों को भी एड ऑन किया, ये वैल्यू आ जाएगी 2,500। नाउ फ्रॉम बोथ दीज ऑल्टरनेटिव्स दिस पैडी इज गिविंग अस द मैक्सिमम ईएमपी। तो आपका कंक्लूजन हो जाएगा, सिंस द ईएमपी ऑफ पैडी इज ग्रेटर, देयरफॉर द डिसीजन मेकर विल स्टॉक पैडी, therefore the decision maker will stock paddy, right?